रेस्क्यू टीम तैयार कर दी है, बेसिकली जो तैरना अच्छी तरह से जानती है उनकी टीम से। फिर हमने उसके लिए दूरध्वनि क्रमांक जो दिया है वो है 23 19 50, है ना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आया तो। और उसके बाद फायर के अपने दो नंबर है, 23 45 67 और 22 09 04, ये दो नंबर हमारे 24/7 चालू रहने वाले हैं। अगर यहाँ पे कुछ बुरी घटना घटती है तो इसके लिए हमने एम्बुलेंस तैनात करके रखी है। हम अपने पास पहले ही 8 एम्बुलेंस थी, वो तो वैसी है, उसी के साथ हमारी 11 एम्बुलेंस अभी चल रही है शहर में। तो 11 एम्बुलेंस में हमारे डॉक्टर है, वो कहीं पर भी किसी को कुछ होता है तो ये डॉक्टर तैनात रहेंगे। इसके बावजूद हमने और एक डॉक्टर का एक फुल टाइम ड्यूटी अपॉइंट करके रखा है। नदी किनारे के जो नागरिक है उनके लिए हमने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अभी आप किसी सेफ जगह पे चले जाइए। उसके बाद हमने पीने के पानी की जो नलियाँ है अगर वो फूटती है टूटती है तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड आदमी नियुक्त कर दिया है, तो तुरंत उसकी दुरुस्ती हो जाए। फिर हमने अगर ये सैलाब के कारण व्यक्ति विस्थापित होते हैं, उनके घर चले जाते तो उनकी तात्पुरता निवारक की हमने व्यवस्था की है, हमने स्कूल अधिकृत की हुई है, वहाँ पे हम उनकी व्यवस्था करने वाले हैं। वो हमारा पहले ही अधिनिश्चित हो चुका है। और उसके बाद उनको जो खाने पीने की जो तरतूद हमें करनी पड़ेगी उसके लिए हमने पार्के साहब को नियोजन करने के लिए बोल दिया है। अगर ऐसा कुछ होता है और तुरंत अपने को खाने की व्यवस्था करनी पड़ी तो वो व्यवस्था भी हमने करके रखी है, पानी की व्यवस्था करके रखी है, हमने बॉटल मंगवा के रखी है अगर लोगों को ऐसी व्यवस्था में कुछ लगा तो। फिर हमने सब मुकादम बीट मुकादम लोगों को सब जगह पे पुकारा करने के लिए बोल दिया है कि हमें क्या 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 करना है, किन बातों का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद हमने दो अतिक्रमण विभाग के तरह से क्रेन लेके रखी है, अगर कोई इमारत ढल जाती है, क्योंकि अभी है ना जो जीर्ण पुरानी इमारत है वो पड़ने का धोखा है, तो हमने क्रेन को लेके रखा है कि तुरंत वहाँ से हम वो महिला वहाँ से निकाल सकेंगे। तो इस हिसाब से महापालिका ने यह ऐसा नियोजन किया है। उसके बाद हमने जो नाले हैं वो नाले हमने साफ कर लिए हैं, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा आ जाता है, शायद बारिश हुई और पानी आ गया तो तुरंत बह जाए, कहाँ के पानी ऐसा रुक के ना रहे, तो इस हिसाब से महापालिका ने यह नियोजन किया हुआ है। तो मैं मेयर साहब को बोलता हूँ कि वो दो शब्द बोल दें। निसर्ग सैलाब आने की सूचना जब हमें मिली वैसे ही हमने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की। महानगर पालिका की पूरी HOT के साथ कर्मचारी अधिकारी सभी लोगों को ये एक मीटिंग इमरजेंसी में बुलाकर और इस सैलाब से कैसे निपटा जाएगा उसकी तैयारी हमने ली। हमने चारों प्रभाग में एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया, हमने ट्रैक्टर 2 क्रेन का इंतज़ाम किया पूरे शहर में। ये जो हमारी 11 एम्बुलेंस आई हुई है ये एम्बुलेंस भी इस वक्त बहुत काम आएगी, पूरे में भरपूर मेडिसिन स्टॉक के साथ डॉक्टर्स के साथ ये एम्बुलेंस तैयार है। और अगर ऐसी कोई घटना घटती है, कुछ आसमानी सुल्तानी अगर इस सैलाब की जद में अगर कुछ आता है तो ये सब हमारे काम आने वाली है। प्लस दरख्त वगैरह इस वक्त हवा के झोंके से हवा तेज हवाओं के कारण अगर गिरते हैं तो हमने उसके लिए 4 टीम तैयार कर रखी है, और ये सफाई के लिए और दरख्त काटने के लिए उसका भी हमने पूरी तरह से इंतज़ाम किया हुआ है। गरज के हर वो लगने वाली हर वो काम आने वाली चीज़ों को हमने पूरे शहर में उसका वो कर दिया है। GCB वगैरह का इंतज़ाम चारों प्रभाग में हमने कर रखा है। दूसरी बात ये कि अगर हमने स्थापना को भी आदेश दे दिया है कि अगर कोई अधिकारी कोई कर्मचारी ऐसे हालात में नहीं आता है तो उसको भी बिल्कुल घर भेज दिया जाए, ऐसा बहुत अच्छे ढंग से हमने तैयारी कर रखी है। बस सिर्फ मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि आज 11 से रात में रात के वक्त 11 से 12 बजे के दरमियान ये हमारे शहर से ये सैलाब की हवा गुजरने वाली है,
तो मेरी गुजारिश है कि सभी लोग जिस तरीके से लॉकडाउन में हमने घरों में रहकर हमारे बच्चों को घरों में महफूज रहने के लिए हमने घरों में रखा है, इसी तरीके से सब लोग अपने बच्चों को अपने परिवार को लेकर अपने अपने घरों में रहें, बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि भाई ये जो आपत्ति, ये जो हम पर आई है मुसीबत, इस मुसीबत की घड़ी को बहुत तो आसानी से अल्लाह हमसे हम पर से गुजार दे। मतलब इसमें कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह आप लोगों ने जारी किया है? हेल्पलाइन नंबर रहेगी जो सब व्हाट्सएप पर भी रहेगी, है ना, तो ये इमरजेंसी हेल्पलाइन रहेगी 2319 50, गरीब नवाज फायर पर रहेगी ये एक हेल्पलाइन दी जाएगी 2345 67, जामिया फायर पर रहेगी 2209 04। ये तीन हेल्पलाइन नंबर मतलब व्हाट्सएप पर रहेगी, और ऐसे भी वो एकदम जो जिसको भी जरूरत पड़ेगी इस नंबर पर कॉल करता कर सकता है, सब चीजें उसको जगह पर मुहैया की जाएगी मदद के लिए। बस सभी लोगों से कहिए कि दुआओं का कहना है कि दुआओं का एहतमाम करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है।